हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखेंगे डिफरेंट ओरिएंटेशन का एक सिंगल फाइल के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, जब भी आप वर्क करते हैं तो नॉर्मली आप पेज को इंसर्ट करने के लिए या तो पेज ब्रेक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल इंटर, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। पर अगर आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने जाते हैं, जो कि पेज लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद आप ओरिएंटेशन में जाते हैं, जहां पर आपको दो टाइप की ओरिएंटेशन दिखाई देते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आप जब लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो दोनों पेजेस होते हैं वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो दोनों ही पेज पोर्ट्रेट हो जाते हैं या दोनों पेज आपके लैंडस्केप हो जाते हैं। पर आप चाहते हैं कि एक पेज आपका पोर्ट्रेट हो या अगला पेज आपका लैंडस्केप हो, तो वो किस तरह से किया जाता है हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट पेज तो पोर्ट्रेट है और आप चाहते हैं कि अगला पेज आपका लैंडस्केप हो, तो उस किस तरह से किया जाएगा हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट पेज पर ही रहना है, आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ब्रेक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ब्रेक ऑप्शन में आपको सेक्शन ब्रेक दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, तो आप क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे सेक्शन ब्रेक में। तो क्या होगा कि आपके पास एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो पोर्ट्रेट में ही होगा, पर आप यहां से अब ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन में जाकर इसे लैंडस्केप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये पेज आपका लैंडस्केप हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप अगला पेज फिर से पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेक्शन ब्रेक में आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पोर्ट्रेट करने के लिए फिर से ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट पे क्लिक करना होगा। तो क्या होगा कि ये पेज फिर से पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप एक सिंगल फाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और आप जो भी वर्क करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आपको अगर हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका इंटीमेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।